गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ठाकुर क्लासेस पे। ऐसा करते हैं आप लोग खुश होंगे। तो पिछले सर्वांगसम का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने दो चीज़ डिस्कस किया था। जैसे आप देख सकते हैं कि सर्वांगसम क्या होता है और सर्वांगसम को किस आधार पर प्रूव किया जाता है, तो ये दोनों चीज़ हम लोग डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कि सर्वांगसम को लिखे कैसे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए वीडियो को डिटेल में देखते हैं कि सर्वांगसम को लिखा कैसे जाता है। मान लीजिए कि दो त्रिभुज है आपके पास, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, समथिंग कुछ इस तरह से अगर दिया हुआ है। पी क्यू आर तो अगर इसका साइज कुछ है 4, 5, 7 और इसका साइज कुछ है 4, 5, 7, तो हम लोग को पूछेगा कि ए बी सी और ए बी सी सर्वांगसम जो है किसके साथ होगा, पी क्यू आर के, आर क्यू पी के या फिर क्यू पी आर के, इस तरह से किसके साथ सर्वांगसम होगा, तो वो हम लोगों को लिखना है। तो जैसे कि हम लोग को ये प्रॉपर्टीज पता चल जाए जो किसका कौन सा एंगल, मतलब सर्वांगसम लिखने का मतलब होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग सर्वांगसम त्रिभुज के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के साथ बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है, मतलब ए बी साइड जो है कॉरस्पॉन्डिंग त्रिभुज के आर क्यू साइड, अगर ए बी सी सर्वांगसम है आर क्यू पी के, इसका मतलब होता है कि यहाँ जो लिखा हुआ है स्टार्टिंग में वो इस त्रिभुज के स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है उसके उसके साथ मतलब इक्वल होगा। ए बी आर क्यू के साथ इक्वल होगा, ए सी जो है वो आर पी के साथ इक्वल होगा, क्यू बी सी जो है वो क्यू पी के साथ इक्वल होगा। तो इस सर्वांगसम का लिखने का ये मतलब होता है। अगर आप रेंडमली कुछ भी लिख दोगे तो मतलब वो गलत होगा, क्योंकि ए जो है वो क्यू के साथ अगर इक्वल नहीं है तो गलत है। तो वही आज हम लोगों को सीखना है कि वो कैसे लिखा जाता है सर्वांगसम त्रिभुज। मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि त्रिभुज जो है आपको इसी तरह से दिया हो, दो त्रिभुज तभी वो सर्वांगसम होगा। त्रिभुज इस तरह से भी मान लीजिए आपका दिया जा सकता है, ये त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज दूसरा त्रिभुज ये भी हो सकता है जो कि इसी पे ओवरलैप कर रहा हो, जिसका बी सी साइड पी क्यू आर इसी पे ओवरलैप कर रहा हो, बी सी साइड पी क्यू पे ओवरलैप कर रहा हो, ये भी सर्वांगसम हो सकता है। इसका साइड ये बराबर है, पी क्यू का साइड बी सी के बराबर है, ये 90 डिग्री है, इसका ये 90 डिग्री है और ये दोनों साइड जो है वो बराबर है, तो आर एच एस प्रॉपर्टी से ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम हो सकता है। तो सर्वांगसम के लिए ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से लिखा हो, वो ओवरलैप भी कर सकता है और आपको किसी भी फॉर्मेट में दे सकता है। नेसेसरी ये है कि उसका जो चार क्राइटेरिया था, साइड एंगल और राइट हाइपोटेनियस और साइड, ये चारों क्राइटेरिया को फुलफिल करें तो वो दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम होगा। तो आज का टॉपिक जो है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर त्रिभुज ए बी सी किसके सर्वांगसम है, कौन से मतलब इसमें से कैसे लिखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले अगर इसके नंबरिंग कर देते हैं, अगर आप स्टार्टर हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ए बी सी को अगर हम नंबर दे देते हैं, ए बी सी को 1, 2, 3, तो ये जो हो गया वर्टिसेस ये 1 हो गया, बी जो है ये 2 हो गया और सी जो है ये 3 हो गया। तो यहाँ इस त्रिभुज में भी हम लोग देखेंगे कि ए जो वर्टिसेस है उसमें कौन कौन से दो साइड मिल रहे हैं, जिसकी साइज की डायमेंशन क्या है, तो 4 और 7 ए पे मिल रहा है, 4 और 7 ए पे मिल रहा है, मतलब ये जो है आपका 1 हो जाएगा। दूसरा हम देखेंगे कि बी पे कौन कौन सा मिल रहा है, तो 4 और 5 बी पे मिल रहा है, 4 और 5 ये 2 हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक 1, 2 हो गया, तो ये 3 होना ही है। और आप देख भी सकते हैं कि 5 और 7 यहाँ भी 3 पे मिल रहा है और 5 और 7 यहाँ भी 3 पे मिल रहा है। तो मतलब अगर हम लोग सर्वांगसम लिखना है हम लोगों को तो कैसे लिख सकते हैं, ए बी सी 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 हम लोग को यहाँ भी लिखना पड़ेगा, तो आर क्यू पी, तो ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा आर क्यू पी के। इसका मतलब क्या है
कि इसका जो है एंगल ए, इसका एंगल आर, एंगल ए बराबर होगा एंगल आर के, एंगल बी बराबर होगा एंगल एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर होगा एंगल पी के, और साइड ए बी साइड जो है वो बराबर होगा आर क्यू के, बी सी साइड जो है वो बराबर होगा क्यू पी के। देख सकते हो दोस्तों, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ का है ए बी साइड, वो आर क्यू के बराबर होगा, जो बी सी, बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग है वो क्यू पी के बराबर होगा, और जो ए सी की कॉरस्पॉन्डिंग है ए सी वो आर पी के बराबर होगा, जो ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग है दोस्तों वो आर पी के बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी पी सी टी जो क्राइटेरिया है उसके तहत अगर हम दो त्रिभुज को सर्वसम प्रूफ कर देते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो बराबर हो जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं नंबर डाल के इनिशियली में, और अगर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि कौन से त्रिभुज को, त्रिभुज ए बी सी किसके मतलब सर्वांगसम है, ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये आपका आते जाएगा और आपका स्किल जो है वो बढ़ते जाएगा। इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं दोस्तों, बल्क में प्रॉब्लम आते हैं आपको बोर्ड में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़रूरी है आपको सीखना, अगर तो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है तो उसको लिखते कैसे हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।